असलम कब स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 1, डाटा क्या दिया हमें क्वेश्चन में? डाटा हमें दिया है फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी कितना है? 20 न्यूटन। एस्केलरेशन ऑफ बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड हमने करना है मास ऑफ बॉडी। फोर्स भी हमें दी, एस्केलरेशन भी दी है, हमने क्या फाइंड करनी है? मास ऑफ बॉडी फाइंड करनी है। कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैस फाइंड करना है ना, तो मैस इधर ही रहने देंगे, ए को हम एफ के पास नीचे ले जाएंगे। इधर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर गया तो क्या हो गया? डिवाइड हो गया। फोर्स की वैल्यू क्या है? 20। एक्सेलरेशन क्या था? 2। 2 × 10 = 20। मैस हमारे पास क्या आ गया? मैस कितना आ गया हमारे पास? 10 kg। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2। क्वेश्चन में हमें डाटा क्या गिवन है? वेट ऑफ बॉडी कितना है? 147 न्यूटन। ग्रेविटेशनल एस्केलरेशन कितना है मेरे पास? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड हमने करनी है मास ऑफ बॉडी फाइंड करना है। वेट हमें W दिया है और G दिया है, M हमने फाइंड करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? W इज इक्वल टू mg। मास हमने फाइंड करना है, हम इधर ही रहने देंगे, G इधर मल्टीप्लाई होता है, जब इसको W के पास लेके गए तो क्या हो गया? डिवाइड हो गया। W क्या है हमारे पास? 147। वैल्यू पुट करनी है, W क्या था हमारे पास? 147। G क्या है? 10। डिवाइड करेंगे क्या आंसर आ जाएगा? 14.7 kg। न्यूमेरिकल नंबर 2 का आंसर क्या है? 14.7 kg। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3। क्वेश्चन में हमें डाटा क्या गिवन है? मास ऑफ बॉडी क्या है हमारे पास? 10 kg। ग्रेविटेशनल एस्केलरेशन जी के साथ डोनेट करते हैं, ये क्या होता है हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है? हमने फाइंड करना है फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम फॉलिंग। बॉडी को नीचे गिरने से जौन सी फोर्स प्रिवेंट करती है वो कितनी होती है, वो हमने क्या करना है? फाइंड करना है। इसे हमने किसे डोनेट किया? आर से डोनेट किया। फॉर्मूला हम कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? आर इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू किसके इक्वल होता है? एम जी के इक्वल होता है। आर डब्ल्यू एम जी, एम क्या है हमारे पास? 10। जी हमारे पास क्या है? 10। तो आर हमारे पास क्या आ गया? 10 × 10 = 100 न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है ना, तो हमने फाइंड कर दिया। न्यूमेरिकल नंबर 3 का आंसर क्या आ गया? 100 न्यूटन। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। क्वेश्चन में हमें डाटा क्या गिवन है? फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, बॉडी पे फोर्स कितनी लग रही है? 100 न्यूटन। बॉडी और मास ऑफ बॉडी, बॉडी का मास क्या है? 50 kg। फाइंड हमने क्या करना है? हमने फाइंड करनी है एस्केलरेशन ऑफ बॉडी, बॉडी की एस्केलरेशन फाइंड करनी है। एस्केलरेशन को किससे डोनेट करते हैं? ए से। फाइंड करनी है हमें, कैलकुलेशन करेंगे। अब हम फोर्स भी हमें दी है, मास भी हमें दी गई है, ए हमने एस्केलरेशन फाइंड करनी, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि क्या है? एफ इज इक्वल टू एम ए। एस्केलरेशन फाइंड करनी है तो वो इधर ही रहने देंगे, एफ ओवर एम। फोर्स क्या है हमारे पास? 100।
मैथ्स के हमारे पास 50 kg, 50 × 2 100 एस्केलेशन का यूनिट लगा, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया न्यूमेरिकल नंबर 4 का। हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5। क्वेश्चन में हमें डाटा क्या गिवन है, वेट ऑफ बॉडी कितना है हमारे पास 20 न्यूटन, एस्केलेशन ऑफ बॉडी कितना है हमारे पास 2, ग्रेविटेशनल एस्केलेशन किसे डोनेट करते हैं जी से, क्या है हमारे पास 10, नॉर्मल रिएक्शन आर इसके इक्वल होता है डब्ल्यू के, और डब्ल्यू कितना है 20 न्यूटन। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करनी है फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मूविंग वर्टिकल अपवर्ड, हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। कैलकुलेशन करेंगे अब हम, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, W इज इक्वल टू एम जी, एम W ओवर जी, एम की अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, W क्या है हमारे पास 20, जी हमारे पास क्या है 10, तो क्या आ गया मैस 2 kg फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है F इज इक्वल टू एम ए, तो एम हमारे पास क्या आया था 2, एस्केलेरेशन क्या है हमारे पास 2, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 4 न्यूटन। नाउ नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अपवर्ड इक्वल कितने नॉर्मल रिएक्शन प्लस फोर्स प्रोड्यूसिंग एस्केलेरेशन। नॉर्मल रिएक्शन कितना था हमारे पास 20, फोर्स प्रोड्यूसिंग एस्केलेरेशन कितना था हमारे पास 4 न्यूटन, दोनों को प्लस किया तो क्या आंसर आ गया 24 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 5 का आंसर क्या आ गया 24 न्यूटन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।